ऐसे भागी रहती तो अच्छा टाइम पास होता। रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत नहीं लग रहा, हो जाएगी कल मूवी। तीसरा पर्सन रहता ना तो ज्यादा अच्छा लगता घर के। अरे बाप लिखी, अरे बाप दंगल लिखी। सात लोग आ गए, धड़ 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 धड़। मम्मी मेरे भैया के लाए ना फोन लिया। यार ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया या नहीं किया? क्या बेटा टाइम खत्म हो गया था ना सर? है क्या यहाँ पे सारे लोग अभी जो पहले थे? यस हाँ सर। ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। तो ये थी बर्थोलिन ग्लैंड, ये जो रेड में दिख रही है ये, ठीक है। और जो यूरिनरी ट्रैक हो रहा था वो यहाँ पे, ये ऊपर साइड में था, तो जिस पे यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं है, है ना, वेजाइनल ओपनिंग के पास में। तो जो तुम क्वेश्चन बोल रही हो ये यासिका या कविता, तो उसने क्लियरली बोला कि यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक के पास में उपस्थित है क्या, तो वो गलत हो गया कि हाँ गलत है, यूरिनरी ट्रैक के पास बर्थोलिन ग्लैंड नहीं है। ठीक है हाँ सर। सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर, जो बेंट्रल तंत्री का कार्ड होते हैं ना, ये क्या होते? क्या कौन सा सर उसने? आवाज नहीं आ रही, पहली चीज तो आवाज समझ नहीं आ रही है। तंत्री का कार्ड नेपेड दिया, आवाज ही नहीं आई है बेटा, कुछ भी बस कुछ क्या तंत्री का कॉर्ड भर सुनाई आया है। फिर से बोलो अच्छे से, नेटवर्क में आके, नेटवर्क वाली दिक्कत है। ओके सर। बताओ सर, वो बोल रहा है हाँ? नीच तिल और पिट्ठू के लिए कौन सी विशेषता आम है? सिफेलोलाइजेशन, एंटीना, वेंट्रल तंत्रिका कार्ड, नेफ्रेडिया। तो वेंट्रल तंत्रिका कार्ड दिया है। बेटा एक काम करना ना, ये जो तुम पूछ रहे हो ना, ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं सुनाई आया, सिर्फ वेंट्रल क्या आया, तंत्रिका तंत्र, नेफ्रेडिया और कॉकरोच, इतनी वर्ड समझ आया है। वो एक काम करो, या मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। मैं
ने किया क्वेश्चन मैसेज कर सर, बाकी क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कर दिया है सर, उसने ग्रुप में सेंड किया है हाँ ये सर अभी किया है देख लीजिए अभी किया हाँ ठीक है एक सेकंड देखने दो और सर मैंने ये कॉल भी कर दिया तो मुझे नहीं आ रहा था एक कॉल नेटवर्क दिक्कत कर रहा है हॉटस्पॉट चालू करो सर मैं चार्ज लगाई करें ठीक है ये तुम ये पूछ रहे हो क्या नाम है इसका निकिता है ना कि ये वेंट्रल तंत्रिका कॉर्ड क्या होती है ना हाँ सर हाँ तो देखो ये जो जीव है इनके अंदर में क्या जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो तरह का नर्वस सिस्टम है ना कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल है तो इनके अंदर में वेंट्रल मतलब क्या चीज हो रही है कि जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम अगर तंत्रिका तंत्र की बात करें जैसे अगर मान लो हम काकरोच की बात करते हैं ना तो काकरोच का तंत्रिका तंत्र कैसे हो रहा है एक यहाँ से ऐसे मेन है उसके बाद में छोटी छोटी ब्रांचे ऐसे उसकी तंत्रिका तंत्रों से चली गई हेड से ही चली गई है ना और हमारा जो है वो कैसा है कि पहले यहाँ पर पूरा हेड है उसके बाद में फिर एक ब्रांच गई और फिर उससे छोटी ब्रांच निकली तो ये वाला जो तंत्रिका तंत्र है ये कैसा है आदि प्रकार का या इसको पुराने टाइप का तंत्रिका तंत्र बोलते हैं ना तो उसी को वो वेंट्रल तंत्रिका तंत्र बोलते हैं और ये सारे इसमें कैसे हो रहा है समान हो रहा है जैसे यहाँ पे लीच बोल रहा है ना तो लीच के अंदर में जैसे वो जोक है ना वैसे हो रहा है वो है ना दूसरी चीज तिलचट्टा और बिच्छू तो वो बोल रहा है कौन सी विशेषता क्या है समान है आम है आम है मतलब है ना किसके अंदर में तो दरअसल लीच और ये लीच के अंदर में पैर अच्छे से नहीं पाए जाते है ना दूसरी चीज लीच होता क्या है बेटा वो क्या बोलना चाहिए उसको हिरिडोनिया अब हिरिडोनिया तो नहीं जानते जोक 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 हाँ हाँ उसको जानते हैं हाँ तो उसके अंदर में पैर नहीं रहते हैं काकरोच के अंदर में एंटीना है ना बिच्छू के अंदर में एंटीना नहीं है तो जो एंटीना वाला है वो तो सीधा हटा दो उसके बाद जो ये सिफेलोलाइजेशन हो गया तो सिफेलोलाइजेशन में देखो काकरोच का जो शरीर है वो सिर्फ दो भागों में बटा हुआ है सर और धड़ में बटा हुआ है जबकि बिच्छू का कैसे है तीन भागों का बटा हुआ है ना और जो लीच है उसके अंदर में क्या हो रहा है 90 से लेके 120 तक के खंड रहते हैं तो इनका फ्रेगमेंटेशन भी नहीं मैच कर पा रहा है ना दूसरी चीज आती है नाफ्रीडिया तो यहाँ पे दोनों जो क्या बोलना चाहिए कॉकरोच हो गया उसके अंदर में क्या है नाफ्रीडिया बिच्छू के अंदर में नाफ्रीडिया है लेकिन जो जोक है उसके अंदर में नाफ्रीडिया उपस्थित नहीं है तो भी वो समान नहीं हो रहा लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है इन तीनों जीवों में समान प्रकार का है ना मतलब बीच से एक मेन कॉर्ड है और उसके बाद में फिर उससे छोटी छोटी ब्रांचे मिल जा रही है ठीक है उसके बाद में अगला क्या है तेरा अर्धसूत्री विभाजन दिए गए हैं इन विभाजनों में कितने बीज बन सकते हैं तो एक अर्धसूत्री विभाजन में कितने बनते हैं क्या कितने बीज बन सकते हैं और कितने नष्ट होंगे है ना तो 13 अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं तो 13 अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं तो कितने बीज बन रहे हैं ना तो यहाँ ऑप्शन क्या हुआ दे 13 तो एक विभाजन में कितने बनते हैं अर्धसूत्री में चार बनते हैं तो 13 में 26 से 52 बन रहे हैं और 52 बन रहे हैं
इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, 52 बन रहे हैं और बीजों की संख्या तो 52 हो गई है ना। अपशिष्ट पराकरणों की संख्या, अपशिष्ट पराकरण देखो, अरे जो क्या बोलना चाहिए वो है क्या, क्या बोलना चाहिए इसको, माइक्रोस्पोर सेल जो है ना, पराग मात्र कोशिका है ना, पॉलिन मदर सेल जो है उसके अंदर में विभाजन हो रहा, विभाजन हो रहा था तो क्या बन रहा था, टेट्रेट बन रहे थे। और टेट्रेट में क्या होती है, चार रहती है ना, टेट्रेट कैसे बन रहे थे वो, जैसे एक चार रह रहे थे ना, और वो चारों कैसे थे ऐसे, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ था, दूसरा यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ऐसे करके कि टेट्रेट बना दिया था। तो अब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन से हुआ था, तो क्या बोल रहा है कि किसी को 13 अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो 13 अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं तो पॉलन ग्रेन 2 हो रहे हैं, बीजों की संख्या 10 हो रही है, अपशिष्ट पराकणों की संख्या 2 हो रही है ना, ये आंसर बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन से टेट्रेट बने, टेट्रेट के बाद में इसमें क्या चीज हुआ, अब एक ये भी बात है ना कि ये कहाँ पर हो रहा है विभाजन वाला, कितने बीज बन रहे हैं, तो 8 वे 10 बना रहे हैं वो, तो 13 हुए, 10 बीज बन रहे हैं मतलब, जो बीजांड है, बीजांड है हाँ ठीक है, बीजांड के अंदर से। तो देखो जो पॉलन ग्रेन हो रहे हैं दो, क्या हो रहे हैं यहाँ पे, अपशिष्ट पराकणों की संख्या 2 हो रही है और बीजों की संख्या 10 हो गई है ना। तो कैसे हो गई ये, कितने वे, अरे यार बेटा ये कैसे कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, इन विभाजन में कितने बीज बन सकते हैं 13 अर्धसूत्री विभाजन में, एक सेकेंड इसको करना पड़ेगा यार, इधर एक हो गया, एक तो बाद में बता देने शाम की क्लास में। हाँ इसको शाम में बता दूं। हाँ सर ठीक है, ठीक है, तो नया चैप्टर चालू करें फिर। यस सर ठीक है। तो अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है, जब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या चीज आ रही है, सारी चीजें आ रही है कि कितनी कितने यहाँ पे वायरसों का कैसे यूज करना है, बैक्टीरियोफेज वगैरह का कैसे यूज करना है, कवक का, ईस्ट का, कोई भी सूक्ष्म, कोई भी जीवाणु वगैरह उसका हम मानव कल्याण के लिए कैसे यूज करते हैं, है ना। तो दूसरी चीज यहाँ पर जो भी ये है, अधिकतर कैसे हम मोनेरा जगत के जीवों का यूज करते हैं, भोज्य पदार्थ वगैरह या जो मानव उपयोगी चीजें हैं उनको बनाने के लिए। फिर दूसरी चीज यहाँ पे रखना है, वायरस के जो अनकोडित मतलब अनावृत जो भाग रहता है, वो वाले भाग में भाग को क्या कहते हैं, यहाँ पे वायरॉइड कहते हैं। और वायरॉइड कैसे होते हैं, वायरॉइड के अंदर में क्या रहता है, आरएनए रहता है, जिसे हमने क्या बोला, हमेशा वायरस के लिए हमने एक चीज बोली कि वायरस के अंदर में डीएनए और आरएनए दो प्रकार के वायरस रहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, वायरॉइड रहता है जो अनकोडेड रहता है, मतलब बाहर साइड में प्रोटीन का इस पे आवरण नहीं रहता, और इसके जो जैसे मान लो एक कोई वायरस है ना, तो वायरस में हम क्या बोलते हैं कि जैसे अगर मान लो, एक सेकंड बना रहे दो, यहाँ पे हमको ये वायरस बना रहा है, तो इसके जो एक हाथ कर्ण है जिसके कारण, या इस वायरस का जो भाग है, वो वायरस का भाग जो रोग उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रियॉन कहलाता है, ये चीज याद रखना है, वायरस का वो भाग जो रोग उत्पन्न करता है प्रियॉन कहलाता है। और वायरॉइड, वायरॉइड क्या रहता है, अनावरण रहित रहता है, मतलब कोई आवरण नहीं रहता है, और इसके अंदर में जो अनुवांशिक पदार्थ रहता है वो क्या रहता है, आरएनए रहता है। ठीक है, रहेंगी इतनी चीजें यार। ओके सर, वायरॉइड में रहता है आरएनए अनुवांशिक पदार्थ। हाँ हाँ, अब वो भी कैसा रहता है, सूक्ष्म रहता है, नग्न आरएनए रहता है, नेक आरएनए है ना। और जो वायरस के जो संक्रमणकारी जो प्रोटीन होती है ना, या जो वायरस के संक्रमणकारी जो कण रहते हैं जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं, वो प्रियॉन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। तो जो थर्मो
जैसे हमने क्या बोला था ऑर्की बैक्टीरिया है ना, तो ये कैसे थे 100 डिग्री सेल्सियस पे भी आसानी से रह पा रहे थे, क्योंकि क्योंकि उनके अंदर में क्या रहते थर्मो स्टेबलाइजिंग एंजाइम रहते, और जो यहाँ पे जो थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया रहते हैं वो उच्च तापमान और उच्च पीएच में भी क्या होते हैं आसानी से जीवित रह सकते हैं और अपने आप को जीवित रख लेते हैं ना, और ये अलग अलग प्रकार की कॉलोनियां बना के रहते हैं। फिर बारी आती है यहाँ पे, अच्छा ये क्यों नहीं मरते इतने टेम्परेचर या ज्यादा पीएच पे भी, तो उसके लिए क्या कि इसमें थर्मो स्टेबलाइजिंग है ना और थर्मो वो ऑस्मो रेगुलेटर एंजाइम पाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी बैक्टीरिया उच्च तापमान और उच्च पीएच पे भी जीवित रह पाते हैं। ठीक है, यस सर। ये फिर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जो हम बोल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कॉलोनिया, ये तो पता है ना सारे लोगों को कि कुछ बैक्टीरिया फ्लेजिला वाले रहते हैं, कुछ अनफ्लेजिलेट रहते हैं ना, फिर कुछ कोकाई रहते हैं, बेसिलाई रहते हैं, फिर यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर में, यहाँ पे हैड है। बैक्टीरियोफेज के लिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इसमें नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना कि कौन सा वाला पार्ट कौन सा है, वो कैसा क्वेश्चन दे देगा, डायग्राम दे देगा, ए बी सी डी दे देगा, अब बोलेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वो जमाने के लिए बोल देगा, है ना। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा कि उसका हेड हो गया, फिर यहाँ पर बी क्या हो गया, कॉलर हो गया। हाँ, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना। हाँ, वायरस होता है ना। फिर जैसे ये यहाँ पे जो टैल टैल वाला हो गया है ना, फिर यहाँ पे ये क्या हो गए, उसके रिसेप्टर्स हो गए, और ये यहाँ पे उसके आर्म हो गए, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लेट्स होती है ना, बेस प्लेट होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना बस। यस सर। फिर हम वो बोल रहे थे कल्चर मीडिया वगैरह, तो जब हम किसी को सूक्ष्म जीवों को जो हम वृद्धि करवाते हैं, यहाँ ये जो गोल ये जो प्लेट दिख रही है ना, ये क्या कहलाती है, कल्चर प्लेट कहलाती है ना। अब यहाँ पे ये क्या जीवाणु की वृद्धि करवा रहे हैं ना, तो जीवाणु की वृद्धि करवा रहे हैं, तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कल्चर प्लेट। अब हम जीवाणु की वृद्धि के लिए कैसे लेते हैं, थोड़ा सा सेमी सॉलिड मीडिया लेते हैं, एकदम लिक्विड भी नहीं रहता है, और जहाँ पे वो वृद्धि करते हैं तो यहाँ पर वो ऐसे कलर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और वो अलग अलग कलरों के अनुसार हम उसको उन किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को पहचान जाते हैं ना। ये खैर दूसरी चीज है, ये चैप्टर की चीज नहीं है, पर याद रखना। ओके सर। चलो, अब बारी आती है यहाँ पे घरेलू उत्पाद में, तो ये लैक्टो एसिडोफिलस, इसको याद रख लेना, LAB है ना, लैब भी बोलते हैं इसको, लैक्टो एसिडोफिलस, ठीक है। क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्या होता है दही के अंदर में, तो यहाँ पे विटामिन B12 होता है ना। इतनी चीजें यहाँ से लाइन टू लाइन याद रख लेना, बिल्कुल लाइन टू लाइन, और कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ये डोसा वगैरह बनवा रहे, तो यहाँ पे किण्वन हो रहा है, किसके द्वारा किण्वन होता है, डोसा इडली ब्रेड वगैरह बनती है तो किण्वन होता है ना, और उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, और जो ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है बेकर ईस्ट, है ना, बेकर ईस्ट का नाम, ब्रेड बनाने के लिए बेकर ईस्ट, और इसका नाम, ये वैज्ञानिक नाम याद रखना, सैक्रोमाइसिटिस सेरेवेसी, ठीक है, ये बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर ये ताड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है, तो टोडी, ये क्या रहता है, एक दूध जैसा पदार्थ रहता है, जिसको बाद में हम किण्वित कर लेते हैं और पीने के काम में आता है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं हम पनीर वगैरह बना रहे हैं ना, तो पनीर वगैरह बना रहे हैं, तो वो पनीर बना रहे हैं तो क्या चीज हो रही, अच्छा एक और चीज थी, जो लैक्टोबैसिलस है वो जो कैसीन प्रोटीन रहती है दूध के अंदर में, उसका क्या कर देता है, यहाँ पे आंशिक पाचन कर देता है ना, आंशिक पाचन कर देता है कैसीन प्रोटीन का, है ना, ठीक है। उसके बाद आती है पनीर की बात, तो पनीर के लिए याद रखना कॉटेज पनीर आता है, कॉटेज पनीर में क्या होता है, इसके अंदर में लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस मिला देते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, कॉटेज पनीर, ठीक है। दूसरी प्रकार पनीर आती है स्विस पनीर,
स्विस पनीर में क्या रहता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई रहता है स्विस पनीर में। और ये कैसी रहती है? चिकनी रहती है। मतलब जैसे हमने पनीर देखी है, अगर ध्यान से अपन देखे तो कैसी दिखती है, जैसे हम दुकान वाली लाते हैं तो कैसे रहती है, एकदम चिकनी रहती है और बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं, वो छेद भी चिकने दिखाई देते हैं, है ना, दिखाई देते हैं कि नहीं? हाँ दिखाई देते हैं। वेनेगर मिलाते हैं अपन उसमें, है ना, तब ऐसी बनती है। अगर वेनेगर नहीं मिलाते तो कैसी बनती है? मिट्टी देखिए, मिट्टी मिट्टी के बचपन में लड्डू बनाए होंगे, तो उसपे जो छेद रहते हैं वो कैसे आड़े टेढ़े रहता है जी सर। तो वो वाली पनीर क्या कहलाती है, जो आड़ी टेढ़ी और बहुत ज्यादा खरदूरी रहती है, वो कहलाती है रॉकी फोर्ट यूनिट, रॉकी फोर्ट पनीर चीज, है ना। और इसके अंदर में क्या रहता है? पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई, पेनिसिलियम रॉक फोर्टाई रहता है रॉकी फोर्ट चीज में जी सर। और कॉटेज पनीर में क्या था? कॉटेज पनीर में लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्विस पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरिया सार्मेनाई, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें याद रखना जी सर। उसके बाद बियर और वाइन काय से बनाते हैं? वो तो वो मत बोल देना, वो देसी होती है ऐसा वो नहीं, तो वो तो फ्रूट्स को मतलब करके बनाते ना, किडवन करके फ्रूट का आसवन, आसवन द्वारा बनती है बियर और वाइन, ठीक है, वो फ्रूट के बियर हो गया, मतलब जौ और अंगूर से बना रहे हैं, है ना। जौ से क्या बनती है? जौ से बियर बनती है ना, और अंगूर से वाइन बनती है, वाइन। और इसके अंदर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 5-15%, ठीक है, यस सर। फिर अदर अल्कोहलिक पदार्थ भी याद रखना है, विस्की, रम, जिम, ब्रांडी, वोदका, जितने भी जिसको दारू के नाम में याद हो ना वो लिख देना सब, हाँ, जिसको जो भी ब्रांड वगैरह पता हो। किंग फिशर, और बता दो दो चार, मैजिक वुमन, और बता दो भैया, सभी बता दो, पता चल जाएगा कौन पीता है कौन नहीं पीता। पर उसके लिए पीना जरूरी नहीं है, अच्छा। पता रहते हैं। बढ़िया, जो बता रहे हैं लोग पीते हैं। मैजिक मोमेंट, मामा, हाँ बस हाँ, जिसको जो पता है ना भैया वो याद रख लेना। चलो अब यहाँ पे बारी आती है एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबायोटिक्स की किसने वो करी थी भाई, बताओ खोज। एंटीबायोटिक की खोज सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कैसे करी थी ये भी बता दो। सर वो नहीं पता, सबसे पहली पेनिसिलिन थी। हाँ पेनिसिलिन तो है, पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन गलती से बन गई थी, जानबूझ के नहीं बनाई थी, बना कुछ और रहते, बन गलती से हो गई थी, पता। सर बैक्टीरिया पे खोज की थी उन्होंने, उससे बना। हाँ वो बैक्टीरिया के ऊपर परीक्षण कर रहे थे, लेकिन वहां पे पता चला कि भैया वहां तो कुछ और ही मटेरियल बन रहा है, जिसके कारण वो वृद्धि नहीं कर पा रहे। बाद में वहां पे उसका केमिकल कंपोजिशन देखा तो वो पेनिसिलिन था। उससे ये पता चला कि भैया ये वाला केमिकल तो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दे रहा है, तो वो कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। और जब ऐसा होता है साइंस में, जब ऐसी चीज होती है कि हम करते कुछ और है और हो कुछ और जाता है, तो उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। सेरेंडिपिटी, ये वर्ड भी याद रखना है, गलती से हुई वाली खोजों को सेरेंडिपिटी कहते हैं, ठीक है। और जो एंटीबायोटिक शब्द है ये सेलमैन वैक्समैन ने दिया था, सेलमैन वैक्समैन, ठीक है सर। गलती से हुई खोज को क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। और ये जो एडवर्ड, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये क्या कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर
उसके अध्ययन कर रहे थे, स्टडी स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम हो गई थी, है ना। दूसरी चीज, अलेक्जेंडर ने क्या यहाँ पे कैसे हुई थी, वो उनके वो हाँ वो उसकी कॉलोनी वगैरह देख रहे थे कैसे बन रही है। तो वो जो अभी कल्चर प्लेट बताई थी, कल्चर प्लेट में कुछ जगह ऐसी हो जा रही थी जहाँ पे वृद्धि कर रहे थे, और कुछ जगह ऐसी हो जा रही थी जहाँ पे वृद्धि नहीं कर रहे थे। तो जहाँ पे वृद्धि नहीं कर रहे थे वहां पे कुछ केमिकल देखने को मिला था, तो वही क्या था, यहाँ पे पेनिसिलिन था, है ना। और जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन किससे के द्वारा बनाया जाता है, तो पेनिसिलियम क्रायो जेजिनम, पेनिसिलियम क्रायो जेजिनम किससे प्राप्त होता है। और जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इनकी ये जो स्टडी थी, ये अमेरिका की एक मैगजीन थी टाइम, उसमें उसमें छापी थी टाइम, ठीक है। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स में अदर एंटीबायोटिक्स भी याद रखना है। मैंने एक बीच में बताया था टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ना। और पर क्या हो रहा है, जो टेट्रासाइक्लिन याद रख लेना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बाकी की और भी बहुत सारी है, लेकिन मेन याद रखना है टेट्रासाइक्लिन याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब इनके कैटेगरी की बात आती है, तो फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक्स कौन थी, है ना। तो फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक्स ही एंटीबायोटिक्स थी सिफेलोक्सिन, फर्स्ट जनरेशन की सिफेलोक्सिन। सेकेंड जनरेशन की सिफेलोक्सिटीन, ठीक है। थर्ड जनरेशन की सिप्रोएक्सोन। फोर्थ जनरेशन की सेफेपाइम। थर्ड जनरेशन की बताइए ना, कौन सी थर्ड? सेप्ट्रिएक्सोन, ठीक है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन में यहाँ पे याद रख लेना कि जब भी हम एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करते हैं, तो कुछ समय बाद हमारा शरीर उसके लिए एडिक्ट हो जाता है। और जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और खासकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी ये कैपेसिटी रहती है कि वो किसी एंटीबायोटिक्स के प्रति अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं, और उस एंटीबायोटिक्स का फिर हमारे शरीर के अंदर में कोई असर नहीं हो पाता है ना। इसीलिए ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। तो वो यही रीजन है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अनुकूलित बना लेता है, हमारी बॉडी एडिक्ट हो जाती है, जिसके कारण उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी कोई असर नहीं होता है, और हमारी बॉडी भी वीक होने लगती है, हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे वीक होने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ कार्बनिक अम्ल और उनके स्रोत है, जैसे सिस्ट्रिक अम्ल हो गया, है ना, एसिट्रिक एसिड हो गया, ब्यूट्रिक एसिड हो गया, है ना, लैक्टिक एसिड हो गया। ये सब के नाम याद रखना, और किसके द्वारा ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका मैं चार्ट सेंड करूंगा। ओके सर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सीवेज की। तो सीवेज क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल मिल रहा है वो, और उसके अंदर में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां रहती है। यहीं पे एक वर्ड आता है बीओडी, है ना। तो बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे बायोकेमिकल सीवेज के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। मतलब वो उसके अंदर में जो घुलित पदार्थ है उनके अपघटन के लिए जीव सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या कहला रही है यहाँ पे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। वर्ड याद रखना है, यहाँ पे दो तरह का ट्रीटमेंट, दो तरह का सीवेज होता है, या दो तरह का हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में बीओडी अधिक रहती है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी जो अशुद्धियां थी लकड़ी वगैरह जो अगुलित थी वो पर अलग हुई थी, मतलब उसके पीओडी में कोई परिवर्तन नहीं होना है फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद में। लेकिन सेकेंड ट्रीटमेंट के बाद में क्या होना है, उसमें जो घुलित अशुद्धियां थी उनका भी अपघटन हो गया था, तो जिसके कारण वहां पे क्या होना है बीओडी उस सेकेंड वाले ट्रीटमेंट के बाद जो मटेरियल निकल रहा है उसकी बीओडी घट जाती है। क्यों घट रही है, क्योंकि यहाँ पे अपघटन हो जा रहा है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो प्राइमरी जो सीवेज रहता है उसकी बीओडी अधिक रहती है, सेकेंडरी की कम। ठीक है बेटा। सर अब टेन से कम कैसे, क्या 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 सर बीओडी अपघटन हो रहा है तो उससे कम कैसे हो रही है? बता रहा। देखो जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ना घर वगैरह से, तो दो तरह का ट्रीटमेंट कर रहा है, प्राइमरी कर रहा है। तो प्राइमरी में क्या चीज हुई है कि हमने उसको उसमें जो बड़ी अशुद्धियां थी जैसे लकड़ी वगैरह थी, है ना, लकड़ी वगैरह छान ली, बड़े प्लास्टिक की बॉटल वगैरह थी, तो वो सब चीजें छान ली। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उसमें घुलित पदार्थों में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो उसकी बीओडी कैसी रह जाना है? जैसी की वैसी रह जाना है ना। लेकिन जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे क्या मोबाइल कहाँ है? हाँ ठीक है, अब आ रही। ठीक है। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है दरअसल भौतिक विधियों के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं ना, और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो कैसा है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब उसमें हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से सीवेज को क्लीन करते हैं ना। तो जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड में क्या आती है, छानना, निथारना, सुखाना, हटाना, विडोलन, ये सब आती है। ठीक है ठीक है। और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें अब ठीक है, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर में हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो वाटर के अंदर में जो घुले हुए पदार्थ है उनका अपघटन करवा देते हैं, उनको नष्ट करवाते हैं, तो वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहलाता है। अब फर्स्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट में मान लो यहाँ पे लकड़ी वगैरह पड़ी है तो हटा ली, तो घुलित पदार्थों की मात्रा में कोई चेंजेस आया क्या? नहीं आया, मतलब उसकी बीओडी कैसी है, जैसी की वैसी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या चीज हुई, हमने अपघटित पदार्थों का घटन करवा दिया सूक्ष्म जीवों की सहायता से, तो क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजन लगी है ना। तो अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद में जो वाटर बच रहा है वहां पे, उस वाटर की बीओडी देखना है, तो उस वाटर की बीओडी क्या हो जाना है, कम हो जाना है। मतलब अगर तुम सेकेंडरी का अगर तीसरी बार अगर ट्रीटमेंट करोगे और वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से करोगे, तो जितना सेकेंडरी में ऑक्सीजन लगी थी उतनी थर्ड में लगना है क्या? नहीं लगना है, है ना। तो सेकेंडरी वाले की बीओडी घट जाती है ट्रीटमेंट के बाद, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है यहाँ पे। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बीओडी जैसे के वैसे रहती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के टाइम बीओडी जैसे के वैसे रहती है, जब वो नदी में है या कहीं टैंक में है बिना ट्रीटमेंट वाला तो उसकी बीओडी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तब उसकी बीओडी पहले की जैसी रहती है। नहीं, जब स्टार्ट नहीं हुआ या स्टार्ट होने वाला है तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो उसमें चेंजेस आते हैं, जब हो जाता है तब चेंजेस आते हैं, और जब वो ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया हमने उसको नदी में बहा दिया तो भी उसकी बीओडी कैसे रहना है, कम ही रहना है। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अगर वाटर को डायरेक्ट नदी में बढ़ा दे तो नदी के पानी की बीओडी क्या होना है, तो नदी के पानी की बीओडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें अपशिष्ट पदार्थ को घुलित वाला भी पानी मिल गया, तो उसकी जो बीओडी थी वो तो थी अब और बढ़ गई। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। बायोगैस वाला सारे लोगों को पता है, उससे एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मैथेन है ना। तो फिर ये हो गया हमारा 12th खत्म, ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। अभी जो टॉपिक बचे हैं वो कौन सा बचा है बता। अच्छा हाँ यार, अभी तो एक वो बच गया, क्या बोलते हैं उसको, जैव नियंत्रण है ना।
जीव नियंत्रण सर। तो इसको बेटा आप कल कर लेते हैं, नहीं तो कल एक ही क्लास अटेंड कर लो। हाँ सर कल मारो और क्या, मॉर्निंग में एक कर लो तो खत्म हो जाएगा। और शाम को, शाम में इसका एमसीक्यू दोनों का, दोनों चैप्टर का, उस चैप्टर का भी और इसका भी। और क्या, कल शाम में तो 4 बजे से रहेगी ना क्लास? नहीं नहीं 6 से ही है। 6 बजे से रहेगी ना सर? हाँ कल संडे है ना। अच्छा वो सर की तो कल, कल फिर देख लेंगे ना। कल देखो थोड़ा सा ये, कल हम या तो फिर 2 क्लास कर लेंगे कल और खत्म कर देते हैं, एमसीक्यू भी मॉर्निंग में कर लेते हैं। मॉर्निंग में एमसीक्यू कर लेंगे ना, ठीक है ना, वो भी कर लेंगे थोड़ा सा ये, क्योंकि वो तो पर अब बहुत ज्यादा थक गया यार बेटा, बहुत बोल दिया। ठीक है ना सर, शाम को वो कर लेंगे। हाँ शाम में कर लेते हैं और कल कर लेते हैं, उसके बाद फिर नई चीजें चालू करेंगे। और थोड़ा सा वो YouTube वाला ध्यान रख लो या बढ़ा दो, और थोड़े से सब्सक्राइबर, खैर बढ़े हैं पर और बढ़ा दो। ओके सर। हाँ चलो ठीक है, सभी को गुड डे है ना। ओके सर बाय। हाँ बाय सर, बाय बाय बेटा, थैंक यू सर।